आपका केयर यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अभय चौटाला की हरियाणा परिवर्तन यात्रा में। और हरियाणा परिवर्तन यात्रा जो है वो उचाना विधानसभा में प्रवेश कर चुकी है और उचाना विधानसभा के विभिन्न गांव से लगातार जो है वो लोगों का साथ सहयोग समर्थन लेती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आज की अगर बात करूं तो ये कार्यक्रम कर सिंधु गांव में रखा गया जो कि बड़े गांव के अंदर शुमार है और बड़ा गांव कर सिंधु। जैसे ही इधर तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिएगा कि सुनैना चौटाला का महिलाएं जो है वो पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करती हुई दिखाई दे रही है। और इस चौगान की अगर बात करें तो इस जगह पे इधर देखिएगा अर्जुन चौटाला का जो है वो फूल मालाएं पहना करके स्वागत, यानी कि पूरे हौसले जज्बे जुनून और उल्लास के साथ अर्जुन चौटाला का स्वागत जो है वो इस यात्रा के दौरान लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जिस भी गली से निकलते हैं, जिस भी घर से निकलते हैं, तमाम गलियों के अंदर जो घरों से लोग जो है वो निकल करके इस यात्रा में अपना साथ सपोर्ट समर्थन देने के लिए लगातार जो है वो यात्रा के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे इस यात्रा में समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जिस भी गांव में जाते हैं, जिस भी गली से निकलते हैं, वो तमाम गांव के गलियों के लोग जो है वो घरों से निकल करके जो है वो इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए जो है वो साथ कदम से कदम मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौटाला को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तमाम जो गांव के लोग हैं वो जो है वो इस यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो है वो गलियों की कवरेज, जिस भी गली से यात्रा जो है वो निकल रही है उस यात्रा से लोग जो है उस गली में लोग देखिएगा फूल मालाएं लेकर के अभय चौटाला को आशीर्वाद देते हुए, स्वागत करते हुए जो है वो यहाँ पे लोग लगातार दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा तस्वीरों में कि जिस भी घर के आगे चार चार पांच पांच लोग भी जो होते हैं, दो लोग भी होते हैं, उनका रुक करके जो है वो अभिवादन स्वीकार करते हुए अभय चौटाला जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनका विधानसभा क्षेत्र है उचाना और उस उचाना का बड़े गांव में शामिल कर सिंधु गांव है। और इस कर सिंधु गांव में आप देखिएगा कि अभय चौटाला को सपोर्ट करने के लिए किस प्रकार से लोग जो है वो उतावले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिएगा महिलाएं जो है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पे खड़ी हुई है और फूल मालाओं से स्वागत अभय चौटाला का जो वो लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा लगातार तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं उचाना विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव में शुमार गांव कर सिंधु की। और कुछ ही समय बाद जो है वो यहां पे एक बड़ी जनसभा का आयोजन जो है वो रखा गया है, बड़ी जनसभा यहां पे की जाएगी। उस जनसभा में किस प्रकार से लोग जो है वो मौजूद होते हैं, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, ये जो है वो सभा में जाकर के हम आपको पूरी डिटेल, पूरी तस्वीरें जो है वो दिखाने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा कि लोग जो है वो काफी अच्छी संख्या में अभय चौटाला के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा कि अभय चौटाला जो है वो इस सभा स्थल तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोग जो है वो फूल मालाएं पहना करके, तालियां बजा करके जो है वो अभय चौटाला का स्वागत, जोरदार स्वागत करते हुए जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
गांव के बिल्कुल सेंटर में जो है वो ये कार्यक्रम रखा गया है और यहां पे अच्छी खासी भीड़ जो है वो लोगों की समर्थन देने के लिए अभय चौटाला को यहां पे इकट्ठी हुई है और लगातार जो है वो फूल मालाएं पहना करके अभय चौटाला का स्वागत करते हुए लोग जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि किस प्रकार से लोग जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे गांव का ये जो है वो शहीद भगत सिंह चौक है और इस भगत सिंह चौक पे जो है वो किस प्रकार से अभय सिंह चौटाला को सुनने के लिए समर्थन करने के लिए जो है वो यहाँ पे तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। तो ये देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, यानी कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले करके जो है वो अभय चौटाला को सुनने के लिए, अभय चौटाला को समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए जो है यहाँ पे महिलाएं और लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिएगा अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे शामिल हुए हैं इस यात्रा में। तो चलिए अभी अभय चौटाला जो है वो यहाँ पे इसे संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और लोग इन्हेलो की इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, उनके क्या विचार हैं, गाँव में आखिर कितना विकास हुआ, इलाके के अंदर जो है वो लोग विकास को लेकर के जो है वो क्या कुछ कहते हैं, वो तमाम अपडेट हम आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें कि पूरा एक दिन जो है वो हमारा अभय चौटाला की इस परिवर्तन यात्रा के साथ जो है वो रहेगा और इस यात्रा के दौरान जो है वो कौन कौन से तथ्य जो वो निकल करके सामने आते हैं, सरकार को कितने नंबर जो है वो लोग देते हैं और अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा को लेकर के लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। उजाना अंदर तो सदा चौधरी देवलाल का समर्थक रहा है, करसंधु गांव तो